नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गुरुपां तमहं वंदे परमानंदमाधवं क्रीड़ाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कलिया सांतंग चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मणिमा, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंको विष्णु प्राय मणे नमई तहंक चरणे तुंडे वलई हरि हरि। भो जगन्नाथ दैतारी जनता जनार्दन जगन्नाथ प्रेमी भक्त भाइयो भौनी माँ मानक चरणारविंद जुगलरे आपण मान चरणारविंद जुगलरे कोटि कोटि जुहार। आपणंक तारु आशीर्वाद लाभ करी ये अकिंचन आपणंकर ये पवित्र सेवारे जो प्रभु जोगदे बराद करिछंती तहा केवल आपणंक आशीर्वाद प्रभुंकर कृपा अटे। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह श्रीमंदिर रे आड़किया वेशरे महाप्रभु श्रृंगार होइथा जो वेशर नाम त्रिविक्रम वेशर नाम रे परिचित सुवर्ण श्री पयर श्री भुज मथा उपरे सुंदर भावरे किया गुड सुवर्ण किया आड़ आकार दिया जाय थिबारु यहा को आड़किया वेश बोली कहा जाय। यहार अन्य नाम त्रिविक्रम वेशर नाम रे यहा परिचित अटंती। महाप्रभुंकर पवित्र श्रृंगार एवं पंचकरे पवित्र श्रृंगार को दर्शन कले एवं भगवान को स्मरण कले जन्म संसार बंधन रु महाप्रभु उद्धार करि। अष्टाविंश अध्याय श्री सुतौ वाच बटपी पळ धर्मवाणी सकल आदि मुनि सुहुणी सुत मुनिक मुख चाही बोलंती सुण पुण्य देही किंपा स्वस्थ वृक्ष मूले विश्राम दोष रात्र काले आवर रवि बार दिन छुईले हत हुए पुण्य एक कह परिमाणी आंभ संशय जाऊ सुणी। सनकादि ऋषिमुनिगण मान नैमिषारण्य रे विराजमान करी सकल शास्त्र विशारद परम बुद्धिमान पंडित विद्वान रोम हसणंकर पुत्र सुतंकु ऋषिमा सौनकादि ऋषिमाने कहुचंति हे सुतमुनि हे पिपल अश्वस्थ बट एवं पलाश वृक्ष ए त्रिवृक्षंकर महिमा संबंध रे आमे श्रवण कर यहा श्रवण करी मन बड़ तृप्ति मध्य आनंददायक जहाँ फल मनुष्य कौन करिवा कर्तव्य कौन कर्तव्य ताहा मध्य मनुष्य माने मध्य जाणी पारे किंतु मन भीतर प्रश्न आसुचि रात्र काल रे अस्वस्थ वृक्ष मूल रे सोइले कौन दोष रविवार दिन अस्वस्थ वृक्ष को छुईले श्रीहर हतश्री है था पलाहरण है था एक कथा गुड़िक सुणिकी मन भीतर संशय आसवा द्विधा आसवा प्रश्न आसवा स्वाभाविक अटे। तेणु एक कथा कह परिमाणी आंभ संशय जाऊ सुणी हेमंत मुनि कवचने कहती तो समने हेमंत प्रकार मुनिमान कथार श्रवण करी अत्यंत नम्रतार सहित अत्यंत विनम्रतार सहित ऋषिगण मा ऋषि मुनिगण माने सुतंकु विनम्रता सहित पचारुछंति एमंत प्रकार मन भितर जो आम शंका आसुचि हे ऋषि आपण ए शंकार समाधान करंतु। बोलंती सुण सर्वमुनि पूर्वे जे सुरा सुर घेनि ब्रह्मा सहिते हरिहर अंदरे मंथिले सागर। कहले हे मुनि ऋषिगण मान तमे श्रवण करिछ कि नाही पूर्व काल रे सुर एवं असुर देवता एवं असुरंग भितरे
हरि एवं हरंकर ब्रह्मांकर ब्रह्मा हरि हर एमाने समस्त मिसिकरी समुद्र मंथन हेथला जानिछ के नाही विषय हां आज्ञा समुद्र मंथन हेथला गोटिए पटरे रहिले कुर्मा शरीर भगवान शंकर रहिबे तळे रहिले कुर्मा रूपरे भगवान रहिले भगवानंकर शक्ति रूपरे महाप्रभु पर्वत रूपरे रहिले स्वयं शंकर एवं गोटिए पटेरे देवता माने गोटिए पटेरे रहिले असुर माने ये दि जण जाक रही समुद्र मंथन हेले एते कहिबा परिमाणी तुम्हें तो पूर्वे अछ सुनी सदर्भ्य त्रिलोके दुर्लभ एवं कुदेले पद्मनाभ केते कथा कहिबा जहा समुद्र मंथन रुही ए समस्त सृष्टि हे कौन आउ तुमको से विषय कहिबी समस्त कथा आपण माने जानी छ एवं जहाँ सृष्टि ताहा त्रिलोक दुर्लभ वस्तु अटे ताहा बजार रे बिक्री हवा जिनस सी नुहे ए बजार को जा बितुकार समुद्र मंथन भितर जो अमृत मिलता कि नहीं आस कौट बिक्री ना तेणु ए देव दुर्लभ वस्तु ये तीन लोक प्राप्त हो नथा आपे लक्ष्मी की लभी हरि निज भुवने विजे कर स्वभावे बई कुंठपुर सुकृते जने सुख कर भगवान जो समुद्र मंथन हेला ताहाकु कौन जहा भाग्य रे जहा थिला ताहा प्राप्त हेले भगवान शंकर गरल पान कले के अमृत पान कला के कामधेनु गाव गाय कि नाभ कला भगवान स्वयं श्री हरि परम ब्रह्म विष्णु से समुद्र मंथन रु जो पवित्र महामाई भगवती अद्राच पुष्करणी जष्टी सुवर्णाम हेम मालिनी सूर्याम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो ममावह स्वयं महालक्ष्मी को से धारण करी थी एवं से लक्ष्मी के नहीं वैकुंठपुर विराजमान करी लक्ष्मी नारायण रूप से से परिचित हले लक्ष्मी को से सहधर्मणी रूप से स्वीकार कले प्रभु अनुराग जानी समूरे क्षीराब्धि नंदिनी मुखे जोड़ी बेनी कर वचन कहती सधीर महालक्ष्मी सहित भगवान वैकुंठपुर भगवान श्रीहरि से विराजमान करिछन्ति जोठी लक्ष्मी थांती सेठी विष्णु सदा सर्वदा नित्य विराजमान करिछन्ति जोठारे भगवान परम ब्रह्म विष्णु रहिछन्ति सेठारे मध्य सदा सर्वदा महालक्ष्मी विराजमान करिथांती परस्पर परस्पर एपरि परिपूरक किए कहा को छाड़िकरी चली जाई पारिबे नाही भगवान अछंती माने महालक्ष्मी अछंती महालक्ष्मी मा अछि माने महाप्रभु सेठार निश्चित अछंती दिने भगवती कल्याणमयी राजराजेश्वरी माँ जगज्जननी कृपामयी महालक्ष्मी वैकुंठपुर करपत्र जोड़ीन भगवान परम ब्रह्म श्रीहरि को निवेदन करुछन समुखे जोड़ी बेनी कर वचन कहती सधीर अत्यंत नम्रतार सहित महालक्ष्मी महाप्रभु पाखे जाई दंडायमान हो करपत्र जोड़ी प्रणाम कर किसी कहवा को आस हे प्रभु जगत पुण्यमये तोमनु ब्रह्मांड उदये अशेष जन अंतरजामी पर पर आत्मारामी हे प्रभु परम ब्रह्म ए संसार ब्रह्मांड नाथ तुम्हें ब्रह्मांड को रचना करिच सर्जना करिच सृष्टि करिच तुम्हें समस्तंग हृदय भीतर विराजमान करिच ए संसार ही आपण ही अटन आपण ही जगत अटन आपण ही जगन्नाथ अटन जगत आपण ठारु बाद नुहे तेणु आपण जगत एवं जगन्नाथ अटन आपण स्वयं साक्षात ब्रह्मांड नाथ ध्याये ब्रह्मांड नाथम नील निरदतनु रत्न सिंहासनस्थम तद्दक्षे भाग्यदात्री रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तद्दक्षे कामपालम धवल वरतनु लंगलम जस्यपाणम श्रीलक्ष्मी रेवती करे वसतु सदा ब्रह्मदारुस्परामी आपण काल काल जुग जुग धरी आपण विराजमान करी
पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररे काल काल धरी आपण दारवी तनु धारण करी लीला करुछंती एहाय आपणंकर ब्रह्मांड लीला सकल हृदय पद्मे रही णु अभाव भाव नोही करण जन सुख राशि ही तुम्भर निज दासी एणु ए श्री चरण तले जनाऊ अछि भक्ति बले प्रसन्ने सुण अंतर जामी मोजेष्ठ भग्नी अलखमी कले हे प्रभु आपणंकर चरणारविंदरे करपत्र जोड़िन नतमस्तक होइन मु आपणंकु प्रणाम करुछि प्रार्थना करुछि मोर घरर कथा मोर निजर अंतरर कथा मोर निजस्व कथा को मु आपणंकु विनम्र प्रार्थना करुछि आपण दया परवश होइ टिके श्रवण करंतु एतिके ही प्रार्थना जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ महालक्ष्मी मां कृपामयी जगत जननी आसी महाप्रभुंक निकटरे पहुंची करी प्रार्थना करुछंती मोर अंतरर किछि कथा अछि आपणंकु कहिबी आपण सुनिबे त ना रे की कथा कहुछ तमे मोर अर्धांगिनी समुद्र मंथन रु तुमको मुकरी आसी विधाता तुमको गढ़ी आपण कथा शुणी क्या कथा शुणी कह कह प्रसन्न शुण अंतर जामी बोजेष्ट भग्नी अलखमी अरूप देखी तार शोभा नोहिले ताकू देखी मोर पिता वरुण मने महाचिंता भावे जुबा कन्या गृहे देरखी थाहे अविवाहे एते सुकृत करी थाई से कन्या जोगु नाश जाई कहले आज्ञा कौन कहिबे आउ आपण त मते समुद्र मंथनरु नेइकिरी पळि आसिले मु सुंदरी हेइथिली बि आपण मते नेइकिरी पळि आइ मोर बापा बड़ चिंता रे पड़िछंति मोर बापा वरुण राजा से भल भाव खाई पी पारुनांती सोई पारुनांती सब बड़े चिंता तंग बड़ भौणीटा मोर बाहाई पार्नि अलक्षी तार नाम अलक्षी एवं स्वभाव युवती कन्या जदि घर भितर रही आई बह नई बाप माँ केते चिंता जे नुभ भी सी जाने तेणुक से कन्या जिते दिन पर्यंत घर रही कन्या सब बड़े सी हूँ परर द्रव्य भगवान आमको देइछंती तांको आमे सुरक्षित रखिबा ठीक समय रे ताकु दान प्रदान करि देले त घरर सुकृत बढ़ी थाए धर्म पिता मातांकर धर्म फल बढ़ी थाए दुई कुल मध्य रक्षा होई थाए एवं जदि से कन्या विवाह नहीं पारिला से घरर जेते प्रकार सुकृत थिबो ताहा मध्य क्षण होई थाए ज्येष्ठ दुहिता विवाह देवो पुणी कनिष्ठ जेवे थिबो ताहंकु पछे विवाह कले तहिरे दोष नाही भले कौन है देखु सान भौणीटा बाहाई मु बाहाई गली प्रभु किंतु मोर बड़ भौणीटी बाहाई पारि तेणु बापा मुंडे बड़ चिंता किमिति बड़ भौणी अलक्ष्मी मोर बह ता जानती जन सर्वे से कथा विपरीत एवे जलधि राजा तव प्रीते आग प्रदान कला मते कले जलधि राजा वरुण राजा मोर पिता तम प्रति प्रीति होई मते आग प्रदान करदे आपणंक श्रीहस्त ज्येष्ठ कुमारी गृहे रखी अनुबरते मने दुखी से दुख ताप मोर हृदय तेणु जान तुम्भ पदे कले बड़ सान भौणीटी मते आपणंक हाथरे टेकीदे बड़ भौणीटी घरे रहिला बापा सबुबले चिंता करी करी तांकर देह मुंड भल रहुनी बापांकर मन भल नाई तेणु कौन करिवे एई कथा रे मन रे घरर कथा को आपणंकु कहिबिनी काहाकु कहिबि आपण टे कोन विचार नकले मो भड़ भौणीटी उठि पारिबनी आज्ञा तुम्भे जे जगत करता जानो हे सस जन चिंता एबे हे भक्ति घेन मोर अलखमीकु विवाह कर एमंत लक्ष्मी मुख सुणी अशेष जन चिंतामणि सहजे सर्व हृदयवास परम दयादि पुरुष महालक्ष्मी तेल निजर घरर कथा
हाँ परिवार कथा आसी महाप्रभु निकट में कही यद सदा प्रसन्न युक्त भगवान यह श्रवण करी चिंता करुचंती चिंतामणि चिंता करुचंती कौन करी मोर तो मध्य किसी कर्तव्य रही शशुर घर प्रति जोबले देढ़ शाशु बाहा सान भौणी की मुझे बाहर पड़ी आईली घर नहीं आईली तेणु ये परिस्थित मोर किसी कर्तव्य मध्य रही से विषय में चिंतामणि चिंता करुचंती को कही बोध करी होइले देवा विवाह करी प्रिया कथा को प्रिय वही तक्षणे गरुड़ आरोही माँ जोबले आसी दुखरे एक कथा कहले महाप्रभु कहले अरे कौन लक्ष्मी तमें एमती चिंता करुच किछे चिंता कर तमें जो प्रस्ताव तमें बापा कही दियो वरुण राजा को किछे चिंता करिवेनि मु तथा शीघ्र संभव ए विवाह कार्य व्यवस्था करी समापन करी तमें ए चिंता कर एक चिंता करी गरुड़ को स्मरण करी गरुड़ पृष्ठ से विराजमान करी स्वयं नारायण यात्रा आरंभ कले जेरुसी उदाल नाम मिले ताहार आश्रम विष्णु को देखी उपचारी आनंदे पूजा विधि करी भगवान स्वयं नार नारायण गरुड़ पृष्ठ से विराजमान करी सी तो सब जानुचंती मो हृदय हृदय भितर किए किए कौटी कौटी किए कौ रूप से क्यों भाव क्यों अवस्था किए कौन प्रकार भाव चिंता कर आपण कहे कौन भगवान मुठी बस चिंता करुच्ची महाप्रभु जानप सबू जानती सी जानवे नहीं जानव कि विष्णु को देखी तपचारी आनंदे पूजा विधि करी विधान सोड़ सप्रकार बुझे गोविंद पयरे कहाट को भाग्य मिली था जो गोविंद को आम सहस्र उपचार षोड़श उपचार विविध उपचार पंचोपचार पूजा करी था स्वयं विष्णु उदाड़क ऋषि सम्मुखें आश्रम दंडायमान उदाड़क ऋषि गदगद हो जाती एवं तांकु विविध उपचार द्वारा उपासना करी तांकुर आशीर्वाद लाभ कर संतोष घेनी पूजा विधि कहती करुणा बारिधि हे मुनि श्रेष्ठ तुम्हे सुण कुंभ संगते बंधुपण आंभर होइबाकू इच्छा मनरे करी अचु बांछा भगवान तो बड़ दयालु सी कथा किए कही पार जाकि पहुँची गले उदाड़क ऋषि पाखे उदाड़क ऋषि बड़ अत्यंत भाव भक्ति सहित पूजा उपासना कले एवं पूजा उपासन नारायण परम ब्रह्म विष्णु बड़ संतोष लाभ कले कले बुझल उदाड़क तुम कथा मोर भारी मन पड़ा तुम पी गोटे लोक आ संसार मत कई भल पाइबा लोक के देखी मुखिली तुम सहित मुझे बंधुता स्थापन करी बिली मुस्ताव नहीं आसी मन भितर आस दाड़क कहले मो सहित कौन प्रभु आपण बंधुता स्थापन करेंगे स्वयं परम ब्रह्म पिढ़ कुबलाय धड़ो तत्फुल्ल नयन स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जहाँ को जगतवासी जगता सारा जीव अनंत काल काल बीतीगले आपण को लोक स्मरण करपे आपण मो सहित बंधुता स्थापन करेंगे ना हाँ मु तुम सहित बंधुता स्थापन करी तुम सहित टी बंधु गोटे भल बंधु समकक्ष बंधु मोर दरकार तो उदाड़क तुम पी कई आम पी मो सहित बसला पी बंधु बंधुटे मुझे पाऊनी तेणु तुम पाक आंभ कमला भग्नि ज्येष्ठ विचारे सबू ठारु श्रेष्ठ ताहू विवाह तुम्हे हुओ ये मोठारे अच्छी प्रिय कले देख मोर धर्मपत्नी ना हाँ हाँ महालक्ष्मी जहा देवी माद्राज पुष्करणी ज्येष्ठी सुवर्णनाम हेमवालिनी स्वयं भगवती महालक्ष्मी कर भौणी मोर धर्मपत्नी भौणी अलक्ष्मी अच्छा से बहि पारिनी उदाड़क से एपर्यंत अविवाहित होकर वरुण राजा गृह से पितृवाड़े अच्छा तुम्हें बहुत कर मोर सड़ु हम तुम मुझे वरुण राजा दुईट कन्या गोटे लक्ष्मी जहाँ को समुद्र मंथन समय धरली आ गोटे अलक्ष्मी जहाँ को सी बहुत हो पारिना हे उदाड़क तुम्हें ही बहुत कर मो सहित बंधुता स्थापन ताह तुम्हे हुओ देवे मोठारे अच्छी प्रिय जदि मत भल पाऊ था मो सहित बंधुता स्थापन करने तुम्हें राजी अच तेब एक प्रस्ताव राजी हो आए प्रभु परम ब्रह्म विष्णु आसिकी कहे जदि अरे बाबा तुम सहित मुझ बंधुता स्थापन करी किए राजी हम तुम्हें परम साधु अट
आंभ मन को तेणु खट साधु संगते बंधुपण एक परम कारण मुहि स्वजन जन बंधु हसी कहती कृपा सिंधु ताकू टेकी डाकी देगला अरे तोपरी किए अच्छी बापा उदाहरक तू सदा सर्वदा नित्य मते स्मरण करुचु चिंतन करुचु पूजा करुचु उपासना करुचु तोपरी भक्त आउ केही नाम प्रभु मुख प्रिय वाक्य सुनी आनंद उदाहरक भगवानंकर मुखारविंदरे उदाहरक मुनिंकर एते प्रशंसा श्रवण करी उदाहरक मुनि निजे गदगद हेइचंती एडा बड़ा भाग्य कहा को मिले कहा को मिले रे एडा बड़ा भाग्य कहा को मिले भगवान विष्णुंकर बंधुता स्थापन करिबा आम ओडिया भाषा रे सडू हेबे माने महालक्ष्मीकर बड़ भौणी की उदाहरक बाहाले बड़ सडू सी सान सडू चंती परम ब्रह्म विष्णु एवं सान भौणी की लक्ष्मी बा आइचंती अलक्ष्मी सहित प्रस्ताव दे मध्यस्थिता करिबा को महाप्रभु आइचंती पर अंजलि सिरे दे बोलती निस्तरिली मुहि हे प्रभु जगत जीवन हे तुम्भ श्रीमुख वचन कले कौन कहुचंती प्रभु आपण मुखारविंदरे आपण जहाँ मत कहले मु आपणकर आज्ञा को अवज्ञा करिपारिबी एबे ले करिपारिबी से साहस मोर नाही आपण जेतेबेले निजे आछंती ए प्रस्ताव नहींकरी मो सहित बंधुता स्थापन करिबा पाए से बंधुता को एपरी बंधु कहा को मिले भाग्यरे थिले एमिति बंधु मिले प्रभु आ ए भाग्य को मु दुर्भाग्य मनु मोर आपण को ए भाग्य जदि हात छड़ा करि देबी मत दुर्भाग्य आशीषिना पड़ जीव हे प्रभु जग त जीवन ये तुम्भ श्रीमुख वचन से आज्ञा उल्लंघित मोर मेजे करुणा सागर दाल सत्य वाक्य शुणी हेऊ बोले चक्र पाड़ी कले मु सत्य करुचे हे परम ब्रह्म विष्णु आपणकर कथा को मु स्वीकार करुचे आपणकर कथा को मु ग्रहण करुचे मु त्रिवार सत्य करुचे आपणकर धर्मपत्नी महालक्ष्मीकर ज्येष्ठ भगिनी अलक्ष्मी को मु निश्चित रूप से विवाह देवी आपणकर प्रस्ताव रे मु राजी तेणु आपण एथेरे चिंता करिबा दरकार नै आपण अचिंता रे आपण आनंद रे जानतु समाचार दियंतु मु निश्चित रूप से अलक्ष्मी की विवाह करिबी कहई महादेव दास क्षमा करिबो मोर देश इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्मे अलक्ष्मी चरित कथने नाम अष्टाविंशध्याय भज लक्ष्मी नारायण गोविंदे भज राधे कृष्ण गोविंदे भज लक्ष्मी नारायण गोविंदे भज राम कृष्ण गोविंदे भज लक्ष्मी नारायण गोविंदे।